ओम एं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम एं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हम नौ दुर्गा के साथ में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के साथ में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, मां दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माता काल रात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ का यह रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से विपरीत शक्तियों का नाश होता है। माता की पूजा सुबह में होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। काल रात्रि माँ करती है अंधकार का नाश, दुष्टों और शत्रुओं का माँ करती है हास। माँ दुर्गा का सातवां रूप इनको सबने माना, करो रात्रि पूजन जो इनकी कृपा है पाना। काल से भी रक्षा करती है काल रात्रि माता, पुण्य का भागी बनता है जो इनको है ध्याता। हम काल रात्रि के चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माँ का रंग है काला जैसे हो घना अंधकार, सर के बाल हैं बिखरे माँ गदर्भ पे सवार। त्रिनेत्रा इस देवी के गले में विद्युत सी माला, रूप कराली अग्नि रूपिणी हस्त खड़ग डाला।
काले रात्रि माता के भक्त रहते हैं निडर। एक भुजा अभयदायिनी दो दुजी मुद्रा वर, कृपा बरसाती भक्तों पर जो इनको ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने हाहाकार मचा रखा था। इन तीनों राक्षसों से मानव देव ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आदि सभी त्रस्त थे। सभी देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की हेतु प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। राक्षसों ने मचा रखा था जग में हाहाकार। शुंभ निशुंभ रक्त बीज से त्रस्त था संसार। चिंतित सारे देवता तब शिव के पास आए। महादेव से मुक्ति का उनको उपाय बताए। पार्वती से कहा तुम करो दुष्टों का संहार। इसी कारण से काल रात्रि ने लिया था अवतार। शिव शुंभ निशुंभ का वध फिर माँ से करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गईं और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ काल रात्रि का प्रकट हुआ। माँ काल रात्रि ने रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। रक्त बीज को वर के कारण देवता मार न पाते। खून से लाखों रक्त बीज फिर से पैदा हो जाते। माता हुई है क्रोधित, उनका वर्ण हुआ है काला। रक्त बीज का वध करने खून को भी पी डाला। इस तरह भक्तों माता ने किया उनका संहार। दुष्टों का करने को अंत लेती है माँ अवतार। सप्तम दिन ही माता के पट खोले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, काल
काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं का भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। काल रात्रि के पूजन से मिलती सिद्धि सारी, माँ की कृपा से निर्भय होते हैं सारे नर नारी। माँ के सुमिरन से दुष्ट दलन सब भाग जाते, काल रात्रि के कारण ग्रह बाधा से मुक्ति पाते। शुभ फल देने वाली माता शुभंकरी कहलाई, जल जंतु शत्रु अग्नि से भय मुक्त करे वरदाई। माँ के पूजन से बाधा सारे दूर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माना जाता है कि माँ काल रात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और पांच प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता काल रात्रि को रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। माँ काल रात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए नवरात्रि के सातवें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माँ को कराते स्नान लेके हम गंगा जल, मेवा मिठाई करो अर्पित माँ को पांच फल। रोली कुमकुम माता को बड़ा ही है भाता, गुड़ अर्पण से होती प्रसन्न काल रात्रि माता। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, दुष्ट शक्तियां माता के नाम से डरती है। सप्तम दिन काल रात्रि का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, काल रात्रि माता भले ही भयंकर स्वरूप वाली है पर
यह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। जो भी नवरात्रि के सातवें दिन माता के इस रूप को ध्यान में रखकर पाठ करते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ की बनी चीजें पसंद हैं, इसलिए माँ के पूजन व भोग में गुड़ से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। कालरात्रि माँ करती है भक्तों का कल्याण, शुभंकरी माता की महिमा जग में है महान। जो भी करता सप्तम दिन माता का पाठ, उनके सर रहता सदा कालरात्रि का हार। कालरात्रि माता को जो भी नर है ध्याते, सुख संपत्ति उन्नति का अमर फल है पाते। गुड़ की बनी चीजों का भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कालरात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, कालरात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, कालरात्रि मां तुम्हें प्रणाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हम नौ दुर्गा के सातवें रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कालरात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के साथ में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कालरात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, कालरात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, कालरात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माता कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ का यह रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से विपरीत शक्तियों का नाश होता है। माता की पूजा सुबह में होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। कालरात्रि माँ करती है अंधकार का नाश, दुष्टों और शत्रुओं का माँ करती है हास। माँ दुर्गा का सातवां रूप इनको सबने माना, करो रात्रि पूजन जो इनकी कृपा है पाना। काल से भी रक्षा करती है कालरात्रि माता, पुण्य का भागी बनता है जो इनको है ध्याता। हम कालरात्रि के चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कालरात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, कालरात्रि मां तुम्हें प्रणाम।
भक्तों, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। माँ का रंग है काला जैसे हो घना अंधकार, सर के बाल हैं बिखरे माँ गदर्भ पे सवार। त्रिनेत्रा इस देवी के गले में विद्युत सी माला, रूप कराली अग्नि रूपिणी हस्त खड़ग डाला। काल रात्रि माता के भक्त रहते हैं निडर, एक भुजा अभय दायिनी दो दुजी मुद्रा वर। कृपा बरसाती भक्तों पर जो इनको ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने हाहाकार मचा रखा था। इन तीनों राक्षसों से मानव देव ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आदि सभी त्रस्त थे। सभी देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की हेतु प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। राक्षसों ने मचा रखा था जग में हाहाकार, शुंभ निशुंभ रक्त बीज से त्रस्त था संसार। चिंतित सारे देवता तब शिव के पास आए, महादेव से मुक्ति का उनको उपाय बताए। पार्वती से कहा तुम करो दुष्टों का संहार, इसी कारण से काल रात्रि ने लिया था अवतार। शिव शुंभ निशुंभ का वध फिर माँ से करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गईं और उनका वर्ण श्यामल हो गया।
इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। रक्त बीज को वर के कारण देवता मार न पाते, खून से लाखों रक्त बीज फिर से पैदा हो जाते। माता हुई है क्रोधित, उनका वर्ण हुआ है काला, रक्त बीज का वध करने खून को भी पी डाला। इस तरह भक्तों माता ने किया उनका संहार, दुष्टों का करने को अंत लेती है माँ अवतार। सप्तम दिन ही माता के पट खोले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हे प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हे प्रणाम। भक्तों, काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं का भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता काल रात्रि की जय। काल रात्रि के पूजन से मिलती सिद्धि सारी, माँ की कृपा से निर्भय होते हैं सारे नर नारी। माँ के सुमिरन से दुष्ट दलन सब भाग जाते, काल रात्रि के कारण ग्रह बाधा से मुक्ति पाते। शुभ फल देने वाली माता शुभंकरी कहलाई, जल जंतु शत्रु अग्नि से भय मुक्त करे बरदाई। माँ के पूजन से बाधा सारे दूर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हे प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मां तुम्हे प्रणाम। भक्तों, माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और पांच प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता काल रात्रि को रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। माँ काल रात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए नवरात्रि के सातवें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और
माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। को कराते स्नान लेके हम गंगा जल, मेवा मिठाई करो अर्पित माँ को पांच फल। रोली कुमकुम माता को बड़ा ही है भाता, गुड़ अर्पण से होती प्रसन्न काल रात्रि माता। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, दुष्ट शक्तियां माता के नाम से डरती है। सप्तम दिन काल रात्रि का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। काल रात्रि माता भले ही भयंकर स्वरूप वाली है, पर यह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। जो भी नवरात्रि के सातवें दिन माता के इस रूप को ध्यान में रखकर पाठ करते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ की बनी चीजें पसंद हैं, इसलिए माँ के पूजन व भोग में गुड़ से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कालरात्रि की जय। कालरात्रि माँ करती है भक्तों का कल्याण, शुभंकरी माता की महिमा जग में है महान। जो भी करता सप्तम दिन माता का पाठ, उनके सर रहता सदा कालरात्रि का हार। कालरात्रि माता को जो भी नर है ध्याते, सुख संपत्ति उन्नति का अमर फल है पाते। गुड़ की बनी चीजों का भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, काल रात्रि माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मधु में प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, काल रात्रि मधु में
प्रीत डर जावे जब तुम हो आती, जब तुम हो आती। शत्रु डर ना सतावे, शत्रु डर ना सतावे, करुणा मां बरसाती। Yeah।